हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम ES6 का एक और नया फीचर देखेंगे जिसका नाम होता है रेस्ट पैराम्स। देखने में रेस्ट पैराम्स एकदम स्प्रेड ऑपरेटर की तरह ही लगते हैं, तीन डॉट इसमें भी यूज करते हैं हम लोग, लेकिन ये फंक्शनैलिटी वाइज काफी डिफरेंट होते हैं। इनको हम रेस्ट ऑपरेटर नहीं बोल सकते हैं, इनका नाम होता है रेस्ट पैराम्स, और इसको हम फंक्शन डिफाइन करते टाइम पैरामीटर जब लेते हैं वहां पर हम लिखते हैं। तो चलो अपने स्क्रीन पे आ जाते हैं और प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे हम रेस्ट पैरामीटर का यूज करते हैं। बेसिकली रेस्ट पैरामीटर जो होते हैं वो आर्गुमेंट्स कीवर्ड का एक रिप्लेसमेंट समझ सकते हैं। आर्गुमेंट्स कीवर्ड जैसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स ले सकते हैं, वैसे हम रेस्ट पैरामीटर्स का यूज करके इनफाइनाइट नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स ले सकते हैं। तो अभी ये आर्गुमेंट्स हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, और आर्गुमेंट्स हमने देखा था एड फंक्शन यहाँ पे मैंने क्रिएट कर लिया है, एकदम जो भी हमने लास्ट वीडियो में क्रिएट किया था वही वाला फंक्शन है यहाँ पे एड वाला। और यहाँ पर अगर हम एड फंक्शन को कॉल करते हैं और उसमें कुछ नंबर्स पास कर देते हैं 1 2 3, तो यहाँ पर देखो आर्गुमेंट्स वाला एक ऑब्जेक्ट मिलता है और उसके अंदर सारी 1 2 3 वैल्यूज चली गई हैं। हमने यहाँ पर कोई भी पैरामीटर डिफाइन नहीं किया इसके अंदर, लेकिन फिर भी बाय डिफॉल्ट इसके अंदर आर्गुमेंट्स कीवर्ड के अंदर सारे आर्गुमेंट्स आ जाते हैं जो कि हम यहाँ से पास करते हैं। अब ये आर्गुमेंट्स कीवर्ड उतना ज्यादा सही नहीं होता, इसके अंदर एक काली नाम से एक फंक्शन है जो कि डिप्रिकेटेड है, तो ये आर्गुमेंट को भी एक तरह से समझ लो ज्यादा रिकमेंड नहीं किया था। डेप्रिकेटेड तो नहीं है लेकिन इसको रिकमेंड नहीं करते हैं। जब से रेस्ट पैराम्स आ गया हम लोग रेस्ट पैराम्स का यूज करते हैं, और ये एक एरे नहीं है तो एरे मेथड्स नहीं यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम सारे नंबर्स को ऐड कर रहे हैं फॉर लूप का यूज करके, अगर ये एक एरे होता तो सीधा रिड्यूस लगा देते, सारे नंबर्स ऐड हो जाते। तो रेस्ट पैरामीटर्स यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम तीन डॉट लगाएंगे और यहाँ पर मान लो हम लिख देते हैं कोई भी नाम, कोई भी वेरिएबल का नाम लिख देंगे, और फिर यहाँ से हम आर्गुमेंट्स हटा देते हैं, ये सब कुछ हटा देते हैं। नहीं अभी रहने दो, हम यहाँ पर बस कंसोल लॉक करते हैं नम्स, अभी के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे बस नम्स। तो क्या होगा, नम्स जैसे ही लिखेंगे ये एक बार फंक्शन को कॉल करेंगे, तो जो भी हम यहाँ से पास कर रहे हैं 1 2 3 ये एक एरे के फॉर्म में हमारे उसके अंदर चला जाएगा, हमारे फंक्शन के अंदर एक एरे के फॉर्म में आ जाएगा। ये देखो 1 2 3, ये 1 2 3 लाइन नंबर 4 से कंसोल लॉक होके आ रहा है, और लाइन नंबर 4 पर हम लोग नम्स को कंसोल कर रहे हैं, मतलब कंसोल लॉक कर रहे हैं। अगर यहाँ से हम ये हटा देते हैं, अगर मैं ये हटा देता हूँ तीन डॉट, तो हम बस केवल एक पैरामीटर नम्स के अंदर आएगा और ये 1 आएगा, ये कंसोल लॉक करने पर रिजल्ट 1 आएगा। और ये ऐड तो हम आर्ग्यूमेंट्स कीवर्ड का नीचे यूज करके कर ही रहे हैं, तो यहाँ पर हम अगर तीन डॉट लगा देते हैं तो इसको बोलते हैं रेस्ट पैरामीटर। ये पैरामीटर क्यों बोलते हैं, इस पे अगर हवर करेंगे तो ये देखो पैरामीटर आ रहा है, और पैरामीटर एक ये एक एरे टाइप में है। देखो यहाँ पे एरे लिख के आ रहा है, इसको तुम इग्नोर कर सकते हो, लेकिन बस तुम ये समझ लो कि जब हम तीन डॉट लगा देते हैं तो हम कितने भी आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हैं और वो सारे इस एरे के अंदर आएंगे। ये एक एरे क्रिएट होगा यहाँ पर और उस एरे के अंदर सारी वैल्यूज आ जाएंगी, और अब हम इस एरे को यूज कर सकते हैं यहाँ पे आर्ग्यूमेंट को रिप्लेस करके, ये नम्स हम लगा सकते हैं यहाँ पे और सारी वैल्यूज हम यहाँ पर सारी वैल्यूज को ऐड करवा सकते हैं। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो सारी वैल्यूज ऐड हो रही हैं, एकदम वैसे ही काम कर रहा है क्योंकि एक एरे है, तो एरे के अंदर भी हम इंडेक्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं 1 2 3, तो यहाँ पर वही हम कर रहे हैं। इधर जो है ये मतलब सम में हम 0 में हम एक एक करके नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, तो ये सारा एकदम सही से काम कर रहा है। अब इसमें भी हम कितनी भी वैल्यूज ऐड कर सकते हैं और हमें आर्ग्यूमेंट्स कीवर्ड की जरूरत नहीं है, हम बिना आर्गुमेंट कीवर्ड का यूज करें हम रेस्ट पैराम्स का यूज करके हम यहाँ पे सारी वैल्यूज को ऐड कर रहे हैं। अब आपको ये एकदम वैसे ही लग रहा होगा रेस्ट पैराम्स और स्प्रेड ऑपरेटर, तो स्प्रेड ऑपरेटर वैल्यूज को स्प्रेड करता है, रेस्ट समझ लो कलेक्ट करता है, कलेक्ट करके एक एरे में डाल देता है, तो ये डिफरेंस तुम समझ सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे सारी अलग अलग वैल्यूज को पास की, लेकिन नम्स में क्या आया, सारा इकट्ठा आ गया है, नम्स में एक एरे बन के आ गया है। यहाँ पर अभी कंसोल लॉक कर रहे थे हम थोड़ी देर पहले ये नम्स को, तो सारा इकट्ठा हो गया है, ये देखो ये सारा इकट्ठा होके एक एरे बन गया। यहाँ पर मैं अगर नम्स लिख दूं स्ट्रिंग के अंदर तो कुछ इस तरह से भी प्रिंट होके आ जाएगा, ये क्या हो गया, हाँ इसको इसके अंदर यहाँ पे लिखना है मुझे और यहाँ पे कॉमा लगा देना है, तो ये प्रिंट होके आएगा ऐसे नम्स। तो ये नम्स हमने अभी स्ट्रिंग में लिखा और ये नम्स पूरा एक्चुअल वैल्यू यहाँ से हम पास कर रहे हैं वो एक एरे में बन जा रहा है। तो रेस्ट पैरामीटर क्या करता है, सारी वैल्यूज जो कि एक एक करके कॉमा कॉमा करके पास की गई हैं उनको एक एरे में बदल देता है, और जो स्प्रेड ऑपरेटर होता है वो हम कॉल करते टाइम यूज करते हैं
और वो एक एरे की वैल्यूज को स्प्रेड कर देता है एक फंक्शन कॉल में। तो देखो अभी हम अगर यहाँ पर ऐड को कॉल करें और यहाँ पर हम ऐड को कॉल करके नंबर्स को पास करें 1 2 3 ऐसे, तो अभी हम ये मैन्युअली पास कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास एक एरे है तो उसको भी यूज कर सकते हैं। हम डॉट 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 करके नम्स वन कर देंगे, फिर नम्स वन यहाँ से हम पास कर रहे हैं, तो ये एक एक करके कॉमा कॉमा लगा के पास हो जाएगा। और ये जब पास होगा तब ये समझ लो कि ऐसे रिप्लेस होके यहाँ से ऐसे रिप्लेस होके हो जाएगा 1,2,3,4। तो ये स्प्रेड ऑपरेटर है, यहाँ पर जब हम यूज कर रहे हैं कॉल करते टाइम तब ये स्प्रेड ऑपरेटर है और ये सारी वैल्यूज को फैला रहा है और यहाँ पर फैला दिया इसने। और फिर ये हमारा रेस्ट पैरामीटर है, तो रेस्ट पैरामीटर सब सबको इकट्ठा करके एक एरे बना देगा। तो अभी देखना यहाँ पर ये नम्स वाला एरे, यहाँ पर मतलब एक एक करके सारी वैल्यूज इकट्ठा कर लिए हैं इसने, ये नम्स है। तो यही होता है इन दोनों में डिफरेंस, ये जो रेस्ट पैरामीटर होता है वो सारी वैल्यूज को इकट्ठा कर लेता है और स्प्रेड ऑपरेटर जो होता है वो सारी वैल्यूज को फैला देता है। अब इसका सम हमें तो यहाँ नहीं दिखेगा, हमें यहाँ पर कंसोल लॉग दिख रहा है। अब इसका सम इसके जगह पर आ गया होगा, तो हम इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, कॉन्स्ट रिजल्ट इज इक्वल टू ऐसे करके। तो रिजल्ट के अंदर हमें सारी जो भी सम है वो मिल जाएगा, रिजल्ट इसका 10 हो जाएगा, 2 और 1 3 3 6 4 10, तो ये हमें पूरा रिजल्ट मिल गया। और रेस्ट पैराम्स यूज करते टाइम हम लोग अगर चाहें तो यहाँ पर स्टार्टिंग में कुछ वैसी वैल्यूज दे सकते हैं, जैसे अगर हम यहाँ पर ए और बी ऐसे दे देते हैं तो क्या होगा इस केस में, हम जितने भी नंबर्स के साथ कॉल करेंगे, जैसे कि अभी हम जब इसको कॉल कर रहे हैं तो कुछ इस तरह से हो जा रहा है 1,2,3,4। तो जो 1 और 2 की वैल्यू है वो ए और बी में चली जाएगी और उसके बाद 3 और 4 जो बचा है वैल्यू वो रेस्ट उसमें चली जाएगी, इसीलिए इसका नाम होता है रेस्ट पैराम्स। ठीक, अभी देखना ये जो रेस्ट है यानी कि बची हुई वैल्यू है इसके अंदर से, वो सारी 3 और 4 यहाँ पे गई है, बस यहाँ पर बस केवल 3 और 4 वैल्यू गई है। तो यहाँ से मैं ये पूरा सम का लॉजिक मैं कमेंट कर देता हूँ, बस केवल हम इसको देखते हैं नम्स को और ए बी को कंसोल लॉग करके, a,b। तो ए और बी में 1 और 2 गया है और नम्स के अंदर गया है 3 4। तो इस तरह से हम यहाँ पे स्टार्टिंग की कुछ वैल्यूज हम चाहें तो डिफाइन कर सकते हैं। अगर यहाँ पे सी कर देंगे तो 1 2 3 चला जाएगा और बाकी वैल्यूज सारी वहां पे चली जाएंगी, मतलब बाकी जो अब बाकी क्या बचा है, 4 बचा है, तो 4 इसके अंदर चला जाएगा। और इसके बाद भी अगर हम चाहें तो यहाँ पर ऐसे कोई वैल्यू डाल के और कॉल कर सकते हैं इसको, अगर मैं चाहूँ तो ऐसे कॉल कर सकता हूँ। तो 1 से लेकर 3 तक ये एबीसी के अंदर जाएगा, यहाँ पर मैं सी भी प्रिंट करवा देता हूँ। तो 1 से लेकर 3 तक एबीसी के अंदर जाएगा, फिर 1 से 3 के बाद क्या है, 4 है यहाँ पर, 4 के बाद फिर 8 है, फिर 9 है, फिर ये 56 है। तो ये सारी वैल्यूज नम्स के अंदर जाएंगी। तो अगर हम इसको चल के अपने कंसोल में देखें तो ये देखो 4 से लेके 4 8 9 और 56, ये सारा कुछ इस एरे के अंदर आ गया है नम्स के अंदर, ये नम्स वाले एरे के अंदर। और बाकी जो बची वैल्यूज थी जो कि स्टार्टिंग में हमने दी थी, वो स्टार्टिंग की वैल्यूज 1 से लेके 3 तक वो इंडिविजुअली ए बी सी के अंदर आ गई हैं। तो ऐसे अगर हमें किसी केस में जरूरत पड़ती है तो इस तरह से भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है, इसको हम आगे नहीं लिख सकते हैं, ये जो रेस्ट पैरामीटर है वो सबसे पीछे ही होना चाहिए। अगर हम इसको आगे लिख देंगे तो बताओ क्या होगा, अब ये यहाँ पर देखो यहीं पर ये एरर देने लगा है, रेस्ट पैरामीटर मस्ट बी लास्ट इन अ पैरामीटर लिस्ट। तो यहीं पर ही हमारा भी कोड ही एरर देने लगा है। और अगर अपने यहाँ पर आ जाते हैं कंसोल के अंदर तो यहाँ पर भी वही एरर आ रही है, रेस्ट पैरामीटर मस्ट बी लास्ट फॉर्मल पैरामीटर, मतलब इसको लास्ट में ही रखना है। अगर तुम बीच में या आगे या कहीं भी लिख देते हो, अगर हम इसको बीच में भी डाल देते हैं तो भी एरर आएगी, सेम एरर बी के बाद डाल देते हैं तो ये एरर देगा फिर से। देखो यहाँ पर भी एरर दे रहा है और इधर भी एरर दे रहा है, मतलब इसको लास्ट ही रखना है हमें, अगर लास्ट के अलावा कुछ भी रख दोगे तो एरर आ जाएगी। तो इसीलिए हम इसको हमेशा लास्ट में यूज करते हैं, क्योंकि जो भी बची वैल्यूज हैं जो कि हमने कॉल करते टाइम यूज किए हैं तो वो सारी इस हमारे एरे के अंदर आ जाती हैं। अगर स्टार्टिंग में हमने कोई वो दिया है पैरामीटर तो स्टार्टिंग के वैल्यू सारी उसमें आ जाएंगी और बची वैल्यूज हैं तो वो सारी हमारे उसके अंदर चली जाएंगी, हमारे इस रेस्ट वाले पैरामीटर के अंदर यानी कि हमारे इस एरे के अंदर। अगर हम इसके अंदर केवल 3 ही वैल्यूज पास करें और चौथी ना पास करें, मान लो हमने 8 9 और 56 बस इतनी वैल्यूज पास की हैं,
तो क्या होगा, ए के अंदर 8 चला जाएगा, बी के अंदर 9 और सी के अंदर 56 चला जाएगा। और नम्स हमारा क्या रहेगा आप बताओ, ये अनडिफाइंड रहेगा क्या रहेगा, हमने कुछ नहीं पास किया है, तो आप गेस करो और बताओ। अभी हम देखेंगे कंसोल के अंदर क्या होता है। तो ये रहेगा एक एम्प्टी एरे, अगर हम यहाँ पर चले तो देखो ये नम्स जो है एम्प्टी एरे, अगर उसको कोई भी वैल्यू नहीं मिलती है तो वहां पर एम्प्टी एरे हो जाता है वो। लेकिन अगर हम मान लो सी को भी वैल्यू नहीं देते हैं, तो देखो यहाँ पर ये है ए की वैल्यू, ये है बी के, ये है सी की वैल्यू, लेकिन अगर हम सी की वैल्यू नहीं पास करते हैं तो सी की वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी, लेकिन जो हमारा ये है क्या बोलते हैं नम्स है उसकी अनडिफाइंड नहीं होगी, उसका हमेशा एम्प्टी एरे रहेगा। अगर उसको वैल्यू मिल जाती है, अगर हमने 3 से ज्यादा वैल्यूज पास कर दी है, मान लो एक कोई और वैल्यू पास कर दी, तो जो भी एक एक्स्ट्रा वैल्यू है वो उसके अंदर जाने लगेगी, और हमारा जो ये एरे है जो नम्स एरे है उसके अंदर ये अभी 3 वैल्यूज हो गई है। तो इस तरह से हम रेस्ट पैरामीटर्स का यूज करते हैं, बेसिकली जो भी एक्स्ट्रा पैरामीटर्स होते हैं, जो भी रेस्ट पैरामीटर्स होते हैं, रेस्ट यानी कि जो भी ऑलरेडी हमने पैरामीटर्स डिफाइन किए हैं, उसके अलावा जो भी बचे हुए पैरामीटर्स हैं सारे हमारे रेस्ट पैरामीटर के अंदर जाते हैं, जो कि एक एरे होता है, और उसके अंदर हम सीधा रिड्यूस यूज कर सकते हैं, मैप यूज कर सकते हैं, फॉर ईच, मतलब एक ये नॉर्मल एकदम एरे है। देखो इसके अंदर कुछ भी आर्ग्यूमेंट से ऐसा कुछ रेस्ट वेस्ट ऐसा कुछ लिख के नहीं आ रहा है, ये एक नॉर्मल सिंपल एरे है, इसके अंदर हम सिंपल रिड्यूस यूज कर सकते हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इस पूरे लॉजिक को मैं रिमूव कर देता हूँ जो कि हम फॉर ईच फॉर लूप यूज करके ऐड कर रहे थे, हम इसको रिड्यूस का यूज करके ऐड कर लेते हैं, और मैं ये ABCD भी हटा देता हूँ। एक काम करता हूँ, मैं इस पूरे चीज को कमेंट आउट कर देता हूँ, ऐसे मैं इसको अनकमेंट करके और फिर से कमेंट कर देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ नम्स लेता हूँ और इसको रिड्यूस का यूज करके हम ऐड करते हैं, और रिड्यूस का यूज करके ऐड करेंगे तो सारा कुछ एक ही लाइन में हो जाएगा, क्योंकि तो इतनी लाइन में ऐड कर रहे हैं हम, इतनी लाइन में वो एक ही लाइन में हो जाएगा। तो देखो अभी कैसे करेंगे, अब यहाँ पर हम लिखेंगे नम्स, आप वीडियो को पॉज करो और आप खुद से पहले एक बार ट्राई करो, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करना। मैं यहाँ पर करता हूँ नम्स डॉट रिड्यूस, और यहाँ पर एक्यूमुलेटर हो जाएगा पहला वैल्यू, और फिर दूसरा हो जाएगा करंट, तो इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, और इसको हम ऐसे करेंगे, एक कॉल बैक फंक्शन यहाँ पे देना है, और फिर हम रिटर्न करेंगे एक्यूमुलेटर प्लस करंट, बस इतना ही लिखना है, हो गया हमारा, ये ऐड वाला काम करेगा। अब यहाँ पर अगर हम ऐड को कॉल करते हैं, रिजल्ट कहाँ गया, यहाँ पर हमने रिटर्न नहीं लगाया, यहाँ पे रिटर्न लगाना पड़ेगा, रिटर्न, और इसीलिए रिजल्ट की वैल्यू हमें अनडिफाइंड मिल रही है। तो अभी अगर हम एक बार रिजल्ट को लिखते हैं यहाँ पर, सेकंड रिजल्ट, तो ये रिजल्ट की वैल्यू जो भी है पूरा ऐड होके आ रहा है यहाँ पर। अब इसको हम चाहें तो ऐसे हम अपने नम्स वाले एरे को भी पास कर सकते हैं नम्स, और यहाँ पर हमें रिजल्ट की वैल्यू आ जाएगी नम्स वन है, नम्स वन, तो ये पूरे एरे को हम स्प्रेड कर रहे हैं यहाँ पर, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा 1, 2, 3, 4, और यहाँ पर इसका पूरा सम होकर 10 आ जाएगा। तो ये हमें रिड्यूस का यूज करके ऐड कर रहे हैं, ये इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हम इसमें वो कर रहे हैं क्या बोलते हैं, ये एक एरे है नम्स एक एरे, अगर आर्ग्यूमेंट्स करोगे तो आर्ग्यूमेंट्स डॉट रिड्यूस नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर हम चाहें तो कर सकते हैं इसको एरे में कन्वर्ट करके। अब एरे में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक तरीका है, इसको हम यहाँ पर स्प्रेड ऑपरेटर करके ऐसे डॉट डॉट लगा दें तो स्प्रेड हो जाएगा और फिर काम करेगा, ये देखो रिजल्ट हो गया। तो सबसे इजी तरीका यही है, एक एरे बनाओ एम्प्टी एरे, उसमें डॉट डॉट करके आर्ग्यूमेंट्स लिख दो, तो ये एरे के मतलब आर्ग्यूमेंट के अंदर जितनी भी वैल्यूज थी वो सारा स्प्रेड हो जाएगी इसके अंदर। तो एक इस तरीके से कर सकते हैं, और दूसरा मैं इसको कमेंट करके ऐसे मैं दोनों वर्जन लिख देता हूँ, मैं पर सबसे पहले नम्स किए थे, और फिर एक और तरीका होता है इसको आर्ग्यूमेंट्स को कन्वर्ट करने का, ये होता है एरे डॉट फ्रॉम, एरे डॉट फ्रॉम अगर करेंगे, और यहाँ पर हम डाल देते हैं अगर ये क्या बोलते हैं इसको मैं भूल गया आर्ग्यूमेंट्स, तो ये भी कन्वर्ट कर देगा एरे, ये पूरा ये इतना पूरा एक एरे बन जाएगा आर्ग्यूमेंट से। तो ये देखो ये भी काम कर रहा है, तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं आर्ग्यूमेंट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम नॉर्मली ये आर्ग्यूमेंट्स कीवर्ड का यूज ही नहीं करते हैं, हम यूज करते हैं रेस्ट पैरामीटर
रेस्ट पैरामीटर का, और हम तीन डॉट ला के ऐसे रेस्ट पैरामीटर एक्सेप्ट करते हैं और सीधा हम उस पर रिड्यूस लगा सकते हैं क्योंकि वो एक एरे है। और यहाँ से हम इन नम्स को हटा सकते हैं क्योंकि ये अभी हम नम्स को यूज नहीं कर रहे हैं, इन दोनों में हम सीधा आर्ग्यूमेंट्स को यूज कर रहे हैं। तो इसको ऊपर मैं लिख देता हूँ और ये एड फंक्शन, देखो ये एड नाम से हमने तीन बार बनाया, तो आप अनकमेंट करके आप ट्राई कर लेना एक एक करके। देखो ये अभी हमारा नॉर्मल वाला है तो ये भी काम कर रहा है, हम इसको हम रेस्ट पैरामीटर वाले को अनकमेंट करके आर्ग्यूमेंट वाले को कर देते हैं तो भी ये काम करेगा, और इसको अनकमेंट करके इसको कमेंट कर देते, मतलब कमेंट करके इसको अनकमेंट कर देते हैं, ये कुछ गलत भी हो गया वहां पे, तो ये वाला भी काम करेगा ये देखो। तो इस तरह से हम आर्ग्यूमेंट्स को भी कन्वर्ट कर सकते हैं कैरे में, लेकिन हम उसको यूज नहीं करते हैं, हम यूज करते हैं रेस्ट पैराम्स का। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको रेस्ट पैराम्स काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि ये रेस्ट पैराम्स अलग चीज है और स्प्रेड ऑपरेटर अलग चीज है। यहाँ पर हम रेस्ट पैराम्स को फंक्शन डिफाइन करते टाइम लिखते हैं, और ये जो स्प्रेड ऑपरेटर उसको फंक्शन को कॉल करते टाइम, एक एरे के अंदर दूसरी वैल्यूज को स्प्रेड करते टाइम, एक ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरे ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को स्प्रेड करते टाइम यूज करते हैं, तब उसको बोलते हैं स्प्रेड ऑपरेटर। फंक्शन को डिफाइन करते टाइम जब पैरामीटर के अंदर जब लिखते हैं तो उसको बोलते हैं रेस्ट पैराम्स। दोनों में तीन डॉट होते हैं लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है, और रेस्ट पैराम्स को रेस्ट ऑपरेटर नहीं बोलते हैं, रेस्ट पैराम्स को रेस्ट पैराम्स ही बोलते हैं, और स्प्रेड ऑपरेटर को स्प्रेड ऑपरेटर ही बोलते हैं। कई बार लोग कंफ्यूज होकर बोल देते हैं, रेस्ट पैराम्स को रेस्ट ऑपरेटर बोल देते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, गलती से बोल देते हैं, लेकिन तुम्हें समझना है कि इसको रेस्ट पैराम्स ही बोलते हैं, इसका जो ऑफिशियल नेम है रेस्ट पैराम्स ही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और अगर आपके प्रोग्राम में कोई एरर आ रही है जो कि आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर अपने एरर का स्क्रीनशॉट आप भेज सकते हैं और आपका जो भी डाउट है वो पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपके क्वेश्चन का आंसर करूं, और अगर आप पर्सनली कनेक्ट होकर मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो हम लोग हर संडे लाइव करते हैं शाम को 8 बजे, और डिस्क्रिप्शन में उस मीटिंग का भी लिंक है जिस लिंक का यूज करके हम 8 बजे लाइव करते हैं, Q&A करते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप वहां पर आप आके पर्सनली मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर करूंगा। आप टेक्निकल नॉन टेक्निकल करियर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं वहां पर, और उसकी हम लोग रिकॉर्डिंग करेंगे और रिकॉर्ड करके बाद में यूट्यूब पे डाल देंगे, तो जो भी नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं वो भी देख सकते हैं बाद में। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।